हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे 40 to 45 मिनट का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर को जो है कवर करते हैं इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज पेपर में से। डजंट मैटर दोस्तों, अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, या फिर आपको द हिंदू पसंद है, इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज पेपर जो है एक सिंगल सेशन के अंदर हम लोग कवर करते हैं। और ये सेशन आपके नॉलेज के साथ साथ दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेगा, और 70-80% क्वेश्चन आपको इंडिया के जो मर्जी चाहे आप एग्जाम दो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस, तो ये सारे एग्जाम है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने ग्रुप के अंदर, ताकि और भी बच्चे जो है वो डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन, कौन कौन से आंसर है कल के। और कल सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, जो कि नारी शक्ति पुरस्कार को लेकर पूछा था, है ना, कि कौन से वाले स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल वुमेन डे पे दिया जाता है 8 मार्च को, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूसीटी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो इंडिविजुअल्स को मिलता है, ये बात सही है क्या? गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है, मतलब ठीक है। और इसके अंदर 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक सिटेशन है जो कि मिलता है। तो आपका ए, बी और डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिवालिक ऑर्बिटम का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है। तो कई सारे जो अपने स्पीशियस है जो ट्रीज की, उनको बचाने के लिए शिवालिक रेंज में किया जा रहा है, और ये नैनीताल के अंदर इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा बैंक जो है नॉन ईडब्ल्यूएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम को बंद कर देगा कैश ट्रांजेक्शन से 1 फरवरी से। तो ये दोस्तों पीएनबी बैंक है। ओके गाइस, शिवालिक रेंज को नेपाल में क्या कहते हैं? तो उसको चूरिया घाट भी नेपाल में कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। तो जैव ईंधन से संचालित दोस्तों पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण का नाम क्या है? इसका नाम है स्टार डस्ट 1.0। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट है कोट ऑफ द डे, जो कि यहाँ पे आज उपासना के द्वारा भेजा गया है। द लेस यू रेस्पॉन्ड टू द नेगेटिविटी द मोर पीसफुल योर लाइफ बिकम्स। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली है, कि जितना आप नेगेटिविटी को कम रेस्पॉन्ड करोगे ना, उतनी ही लाइफ आपकी पीसफुल रहेगी। क्योंकि आसपास दोस्तों हमेशा आपको 10 में से 8 लोग तो नेगेटिव वाले ही मिलेंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 10 में से 8 लोग हमेशा लोग नेगेटिव बातें करते हुए, नेगेटिव वाइब्स जो कि देते हुए मिलेंगे। ओके, और अगर आप उनको रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो अगला समझ जाता है कि यार ये इसको मतलब नहीं है। ओके, जितना आप कम रेस्पॉन्ड करोगे नेगेटिविटी वाली चीजों का, उतना ही ज्यादा पीसफुल है जो कि आपकी लाइफ है जो कि रहेगी। ओके, तो उपासना तमांग के द्वारा ये स्टेटमेंट काफी सही दिया गया है। आगे बात करते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों लीडिंग इंडिया के न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दैनिकों की तरफ चलते हैं। तो कल दोस्तों हरियाणा के अंदर एक बहुत ही लार्ज मैसिव गैदरिंग है जो कि फार्मर्स की देखने को मिली, जिन्होंने डिमांड किया फार्मर के जो ये 3 लॉ जो फार्म बिल्स थे इनको रिपील करने के लिए। ओके, चलिए इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ट्विटर को के ऊपर कुछ एक अकाउंट को बैन करने को लेकर बात करेंगे, ये वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बिहार के अंदर भी दोस्तों जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हायर नहीं किया जाएगा, ये क्या मुद्दा है, इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो कन्वर्जन लॉ है, जो कि आपको मालूम है ना यूपी के अंदर उत्तराखंड के लेकर अंदर आए गए थे, उनको लेने से मना कर दिया है। बोला है कि भाई सभी राज्य के अपने अपने हाईकोर्ट है, वहां पे मुद्दे चल रहे हैं, तो उन्हीं को बोलिए अभी रिजोल्व करने को लेकर। यहाँ पे जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, पुलिस और जामिया के अंदर आपको मालूम है ना काफी प्रॉब्लम हुई थी एक बार, है ना, CAA के टाइम पे लाइब्रेरी तोड़ दी गई थी, काफी कुछ हुआ था, तो उसको लेकर यहाँ पे बताया गया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ही वॉशरूम के अंदर लेपर्ड भी है और एक ही वॉशरूम के अंदर कोने में डॉग भी है। और पता है कितने घंटे तक ये लोग बैठे रहे एक दूसरे से दूर? 9 घंटे। मतलब बहुत ही अजीब बात है कि लेपर्ड ने डॉग को नहीं मारा और डॉग भी मतलब जो है एकदम थोड़ी देर तो चिल्लाया, उसके बाद में जो है वो भी चिल हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के दोनों ने कोना पकड़ लिया। एक्चुअली के अंदर ये घटना जो है वो एक साउथ इंडिया में देखने को मिली, जहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता जो है वो तो अंदर फंस गया, बिल्ली जो है निकल के भग गई और अंदर एक लेपर्ड भी आ गया वहां पे। तो 9 घंटे तक दोनों जो है अंदर एकदम से बैठे रहे, उसके बाद में डिपार्टमेंट आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने ऊपर से खोल करके निकालने की कोशिश करी, लेपर्ड जंग मार के फॉरेस्ट में निकल गया। बहुत ही अजीब बात है मतलब। चलिए यहाँ पे एरो इंडिया के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जेफ बेजोस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे फ्रंट पेज पे अपने लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो दोस्तों गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है ट्विटर को कि वो फार्मर जेनोसाइड जो हैशटैग है उसको रिमूव करे। ओके, और अगर वो इसको रिमूव नहीं करती है तो उनको एक सीरियस एक्शन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा। अभी एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था,
ठीक है, आपको मालूम है यूनियन गवर्नमेंट ने एक इश्यू जारी किया था ट्विटर को और बोला था कि आपको कई सारे अकाउंट है जो कि रिमूव करने हैं, जिसके अंदर फार्मर जेनोसाइड वर्ड है जो कि यूज हुआ हुआ है। ओके, तो आपको मालूम है जब इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि काफी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड है। अगर ऑनेस्टली बात करें तो जेनोसाइड इट्स अ बिग वर्ड। ओके, तो अगर ऐसे ट्वीट होते हैं, हैशटैग होते हैं, तो ये काफी चीजें जो है वो खराब करते हैं। मतलब तो ऐसे 250 अकाउंट है जो कि ब्लॉक करने के लिए बोले थे, लीगल डिमांड के लिए बोला था, तो ट्विटर ने उनको हटा दिया था, लेकिन बाद में वो उनको अकाउंट को वापस से ओपन कर दिया गया था। ओके, तो उसी को लेकर जो है वो गवर्नमेंट बोल रही है। ट्विटर ने भी बोला है कि इन कमेंट के अंदर जो है कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारी पॉलिसी को खराब कर रहे हैं। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम्हारे नहीं है लेकिन हमारे जरूर है। ओके, तो आईटी एक्ट के तहत ये फैसला लेने के लिए बोला है। मतलब अभी देखते हैं ट्विटर जी का क्या जवाब आता है और उसके बाद में गवर्नमेंट का जो है वो क्या जवाब आता है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं एरो इंडिया को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एरो इंडिया शो हमेशा कहाँ पे होता है, बेंगलुरु के अंदर है जो कि होता है। और यहाँ पे दोस्तों 70 कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं जो कि आपको एरो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगी। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्रोबेटिक्स है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, सूर्य किरण है ये टीम का नाम है, सूर्य किरण, ये बहुत ही जबरदस्त एक्रोबेटिक्स है जो कि करती है। ओके, तो ये परफॉर्मेंस दे रही है इनॉग्रेशन एयर इंडिया 2021 का, येला हेंका एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु के अंदर वहां पे। ठीक है, और अभी जो ये करवाया गया वो 13th एडिशन है। ये कौन सा एडिशन है, ये जो एडिशन है वो 13th एडिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दोस्तों करवाया जाता है। ठीक है गाइस, कर्नाटका के अंदर इसको करवाया गया है। ओके, ये क्या है, ये बायएनुअल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो शो होता है ना, ये बायएनुअल होता है, इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविल एयर शो है जो कि ये होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल और इंडियन मिलिट्री सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पे दिखाए जाते हैं। कई सारे प्राइवेट कंपनी भी अपने शोकेस करती है ताकि उनके भी जो है सेल बढ़ सके, उनका भी जो कंपनीज का जो टेक्नोलॉजी है वो भी पता लग सके। इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था 1996 के अंदर। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, 2019 के अंदर इसको 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 जो इनॉग्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया था, वो एचएल के द्वारा ऑर्गेनाइज है जो कि किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से डिफेंस एक्सपो भी करवाया जाता है इंडिया के अंदर, है ना। तो ये दो बहुत ही बड़े टूर्नामेंट, एक तरीके से दो बहुत बड़े अपने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उनको, इवेंट्स हैं जो कि होते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बिहार पुलिस को लेकर, बिहार गवर्नमेंट को लेकर। तो बिहार गवर्नमेंट ने दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी हमें प्रोटेस्ट करता हुआ पाया गया फार्म बिल को लेकर, किसी भी तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट करता हुआ या फिर खुद को किसी भी तरीके से एक्ट में पाया गया, तो उसको ना तो ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना ही कोई पासपोर्ट मिलेगा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मिलेगा। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये नोटिस है दोस्तों जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ठीक है, तो प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कम करने को लेकर कोशिश है जो कि करी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, जेफ बेजोस के बारे में बात करेंगे। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दोस्तों, उन्होंने स्टेप डाउन होने को दोस्तों बोल दिया, वो कल स्टेप डाउन भी हो गए हैं। पिछले 30 सालों से आपको मालूम है दोस्तों अमेजन को संभाल रहे हैं, और 1.7 ट्रिलियन डॉलर की दोस्तों ग्लोबल रिटेल कंपनी है जो कि ये बन चुकी है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर, मतलब समझ सकते हो कितनी ज्यादा बड़ी है। ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होते हैं मतलब। ठीक है, हमारी जो रिलायंस है वो कोई 170-180 बिलियन के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं मतलब कितनी 10 कंपनियां जो है वो रिलायंस आरआईएल जो है वो मिला लोगे तब जाके अमेजन बनेगी। ओके, तो इस साल काफी 38% जो है सेल्स में इनकी जंप हो गई, नियर बाय 400 बिलियन डॉलर की तो सेल है जो कि इन्होंने करी है, मतलब 57 ईयर के हैं। ओके, और अब ये जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, चेयर का जो रोल है वो लेने वाले हैं, चेयरमैनशिप है जो कि लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, और ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे करंट क्लाउड कंप्यूटिंग के जो चीफ थे एंडी जेजी, उनको नया सीईओ है जो कि बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, बेजोस ने जो हैंडओवर किया सीईओ की जो पोजीशन है वो एंडी जैसी को दोस्तों दिया है, जो कि अमेज़न के अभी कैश फ्लो क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन देख रहे थे और काफी टाइम से मतलब जुड़े हुए हैं उसके अंदर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं अमेज़न के बारे में। हाँ, अमेज़न के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही पुरानी कंपनी है। पहले अमेज़न का नाम जो है कैटब्रा हुआ करता था 1994-1995 के टाइम पे। ओके, और अभी जो है इसका नाम अमेज़न है। ठीक है, ये इसका ऑफिस है, आप देख सकते हैं ये लोगो जो है वो पिछले 2000 से ये लोगो चल रहा है इनका। 1994 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ वॉशिंगटन के अंदर, जेफ बेजोस के फाउंडर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है,
और एनडी जैसे अभी सीईओ बन चुके हैं, चेयरमैन प्रेसिडेंट चेयरमैन जो है जेफ बेजोस है जो कि बन चुके हैं। इसके अलावा आपने एलेक्सा के नाम सुना होगा, जिसके अंदर इंडिया के अंदर तो अभी अमिताभ बच्चन है, उनकी आवाज यूज करी जा रही है। ओके, इसके अलावा अमेजन प्राइम हो गया, अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन म्यूजिक, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन जो कि अमेजन का नहीं मिलता हो। अमेजन बुक है, अमेजन गेम स्टूडियो है, अमेजन इंटरनेट है, लैब है, लॉजिस्टिक्स है, फार्मेसी, पब्लिकेशन, रोबोटिक्स, ओके, डिपॉजिटरी है, बुक की, डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू, आईएमडीबी का नाम आपने सुना होगा, वो भी निकाही है। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें इनकी अवेलेबल है। चलिए, a9.com था पहले ये, इसके बाद में जो है इसको अमेजन किया गया था, मतलब। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों प्रवीण सिन्हा जी को लेकर। प्रवीण सिन्हा जी दोस्तों अभी सीबीआई के इंटरिम चीफ है जो कि बने हैं, गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है दोस्तों प्रवीण सिन्हा जी, करंटली एडिशनल डायरेक्टर है सीबीआई के, उनको अपॉइंट किया गया है इंटरिम चीफ, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए इनको चीफ है जो कि बनाया गया। हो सकता है कि किसी और का अपॉइंटमेंट है जो कि यहाँ पे हो जाए। ठीक है गाइज, और ओके, बिकॉज जो अभी जो करंट चीफ थे आर के शुक्ला जी थे, उनका 2 साल का जो टेन्योर है वो एंड हो गया है। मतलब शुक्ला जी 1983 की बैच के मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर थे। ओके, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आपको मालूम है दोस्तों जो कि सीबीआई आता है। ठीक है गाइज, ओके, और सबसे पहले जो सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था वो 1942 के अंदर हुआ था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे दोस्तों किया गया था। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके तौर पे पेपर में कई बार पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस का सीबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे 1942 के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर आपको मालूम है हेडक्वार्टर है। ओके, इसके अलावा शुक्ला जी जो थे अभी डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो अभी प्रवीण सिन्हा जी है दोस्तों जो कि बनने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना, सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, मतलब। ठीक है गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके चलिए, ठीक है, इंडिया के जो भी सबसे बड़े जो केसेस होते हैं वो सीबीआई हैंडल करता है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 की तरफ दोस्तों। पेज नंबर 13 की बात करें तो हमारे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। एक तो सुयुकी को चार्ज लगा के उनको 2 वीक की रिमांड के ऊपर डाल दिया गया म्यांमार के अंदर। हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों जेफ बेजोस के आते ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी है जो कि दुनिया के अंदर देखने को मिली। ठीक है, और एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अभी तुरंत एक बार शेयर कर दो वीडियो को। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ओके, जल्दी से शेयर कर दो गाइस। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार शेयर कर दो। हाँ, आगे बात करते हैं तो एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन वापस रिपीट करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, अमेरिका ने इसको साइन है जो कि कर दिया है, समझ गए। तो जॉय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आते ही थोड़े से पॉजिटिविटी देखने को मिली दुनिया के अंदर कुछ ट्रीटीज के अंदर, और न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी जो है वो रशिया के साथ में 5 सालों के लिए साइन है जो कि करी गई है। ओके गाइस, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है न्यूक्लियर ट्रीटी, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि और न्यूक्लियर वॉरहेड जो है हम लोग दुनिया में नहीं बढ़ाएंगे। दोनों देशों के पास में 1500 के आसपास दोस्तों न्यूक्लियर वॉरहेड है ना, उसको उतना ही रखेंगे हम लोग। इस चीज को लेकर ये ट्रीटी जो है दोस्तों साइन करी गई थी, समझ गए मेरी बात। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2011 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, पहले ये उससे पहले स्टार्ट फ्रेमवर्क ट्रीटी थी 1991 में, कोल्ड वॉर के टाइम पे साइन हुई थी। ओके, कि 1600 तो स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल, तो 6000 वॉरहेड है जो कि दोनों साइड अपने पास में रखेगी, उसके ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। तो 1991 के अंदर तो पहले स्टार्ट ट्रीटी हुई, 2011 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई, लेकिन अभी कुछ पिछले साल जो है वो ट्रंप ने जो है वो मना कर दिया था इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली के अंदर फरवरी 2021 के अंदर इसी महीने जो है ये क्या हो रही थी, लैप्स हो रही थी। तो ट्रंप ने बोला कि चाइना को भी इसके अंदर इंक्लूड करो, चाइना इसके अंदर क्यों आएगा, बिन बात ही। ओके, तो इसको लेकर ट्रीटी जो है वो डिसॉल्व होने की हालत में थी, लेकिन अभी ट्रंप बाइडेन के आते ही 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड है दोस्तों जो कि कर दिया गया है, समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ट्रीटी और होती है दोनों देशों के बीच में, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिसको INF ट्रीटी कहते हैं। ये भी कोल्ड वॉर के टाइम पे साइन करी गई थी यूएस और सोवियत यूनियन के द्वारा 1987 में। इससे क्या होता है कि दोनों ने बोला था कि इंटरमीडिएट रेंज और जो शॉर्ट रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स है ना, उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यूएस ने इससे 2019 के अंदर इससे भी विड्रॉ कर लिया था, समझ गए मेरी बात।
ठीक है गाइज, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 को लेकर। दोस्तों पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी ने दोस्तों पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा करते हो अगर आप 1 साल के अंदर, तो आपको इंटरेस्ट है दोस्तों जो कि देना पड़ेगा। इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 2.5 लाख मस्ट इन आईटी फीलिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए कई लोग, देखो पीएफ के बारे में आपको मालूम होगा ना, प्रोविडेंट फंड होता है। तो कई सारी कंपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, पीएफ का पैसा कटता है, आपको मालूम है। ठीक है, पीएफ का पैसा कटता है, तो कई लोग क्या होता है कि वॉलंटरली ज्यादा पैसा बचाने के लिए ज्यादा कटवाते हैं, मतलब समझ रहे हो, ज्यादा क्या करते हैं, कटवाने की कोशिश करते हैं पीएफ को। लेकिन अभी क्या होगा, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कटवाओगे तो आपको इंटरेस्ट जो होगा ना, जो भी आपको मिल रहा है, वो आईटी फिलिंग के अंदर आपको डालना पड़ेगा। ओके गाइज, तो उनको जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, वो अपनी इनकम टैक्स के अंदर डालना पड़ेगा, और वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 2021-22 के अभी जो बजट आया उसके अंदर दोस्तों ये किया गया है। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो होता क्या है नॉर्मली, तो वैसे क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पीएफ के बारे में बताता हूँ। देखो पीएफ, आपने ईपीएफ के बारे में सुना होगा। ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है गाइस, 1952 के अंदर दोस्तों इस एक्ट को लाया गया था। अगर कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों क्या करते हैं, 12-12% दोस्तों सैलरी का क्या करते हैं, बेसिक सैलरी का डिटेक्ट करते हैं और दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब वो रिटायर होता है ना, तब वो पैसा है जो कि उसको मिल जाता है। इसके ऊपर सरकार इंटरेस्ट भी देती है 8.50% पर एनम। अब ऐसा नहीं है कि आपकी किसी की बेसिक सैलरी मान लो 10 लाख रुपए है, ओके, तो उसका 12% जो है वो कंपनी भी लेगी और साथ में उसको खुद को भी कटवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम ही जो होता है ना, वो मेरे ख्याल से 2000 या 2400 रुपए के आसपास होता है, मतलब ओके, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट होता है 2000 या 2000-2500 रुपए तक का मैक्सिमम होता है जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब। ठीक है, ये वाली बात होती है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 2.5 लाख से ज्यादा का होगा तो आईटी फिलिंग करनी पड़ेगी, ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, एग्जाम में भी पूछेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा कुछ भी दोस्तों यहाँ पे देखने को नहीं मिला है जो कि अलग हो हिंदू से। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 1996 के बाद में कांग्रेस बीजेपी फॉर एंड अगेंस्ट एंड इंश्योरेंस, मतलब पहले ऐसा था कि आपको मालूम है ना, 49% से 74 कर दिया इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई। तो जब ये 49 आया था ना, तो ये किया गया था किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। पहले कांग्रेस इसको अपोज करती थी, फिर इसको जब वो सरकार बनी तो उन्होंने एफडीआई ले आई, फिर बीजेपी इसको अपोज करने लगी, और अभी बीजेपी सरकार में तो बीजेपी भी एफडीआई उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। ठीक है गाइस, इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो कल दुनिया के अंदर हो गई, और काफी लोग जो है वो गुत्ता गुत्ता हो गए, जो कि आपको मालूम है दोस्तों रिहाना और काफी सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, जैसे कि आपको मालूम है रिहाना हो गई, साथ में ग्रेटा थुनबर्ग जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इसके अलावा एक्टर जॉन क्यूसेक हो गए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है उनकी जो नीज है, भांजी है, मीना हैरिस, वो हो गई, लेबनेज अमेरिकन मॉडल मिया खलीफा हो गई। काफी दुनिया के अंदर लोगों ने दोस्तों कल क्या किया कि रिहाना के ट्वीट करने के बाद में उसको सपोर्ट किया, और दुनिया में जो है फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर दिया, जिसमें इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है, आपको मालूम है उस चीज को लेकर। ओके, जैसे ये होता है दोस्तों, 101 मिलियन प्लस फॉलोवर है जो कि ट्विटर के ऊपर है रिहाना के, तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई। ओके, इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोगों को रिहाना के बारे में पता भी नहीं था, तो वो भी जो है उनको भी पता चल गया। और उसके बाद में हमारे देश के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर बोला कि भाई इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा है ना, और बोला कि इंटरनेशनली इंडिया को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा वैसा ये वो, तो वो सारी बातें लिखी। और उसके बाद में कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी दोस्तों लाइन लगा दी ट्वीट की, जिन लोगों ने पिछले 2 सालों से किसानों के जब आंधी तूफान के अंदर टाइम बिताया और एक भी ट्वीट किसी ने नहीं किया, देशभक्ति जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ी सी दिखाई गई, सब ने उन्हें जो है लाइन लगा दी। ओके, इंडियन क्रिकेटर से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर सभी ने जो है बोला कि नहीं भाई, ये तो इंडिया का मुद्दा है और इंडिया वाले इसको देखेंगे। उसी के अगेंस्ट में कुछ भारतीय सेलिब्रिटी और भी थे जिन्होंने अप्रेज भी किया रिहाना को, बोला कि भाई अच्छी बात है कि कोई ना कोई जो है वो इंटरनेशनली भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो है कल के दिन पे ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा हल्ला हुल्ला है जो कि मचा रहा है। तो जिन लोगों को रियाना के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, रियाना बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, सिंगर है, मतलब अमेरिका के अंदर, और 16 साल से ह्यूमेनिटेरियन काम कर रही है, सिंगर, बिजनेस वुमेन है, 1600 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा इनकी नेटवर्थ है,
और दुनिया के कई सारे ह्यूमैनिटेरियन फिलेंथ्रोपिस्ट कल्चर कॉजेस के अंदर ये काम करती रहती है। दुनिया में काफी चैरिटी करती है अल्जाइमर को लेकर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फाउंडेशन को लेकर, एड्स को लेकर, कैंसर को लेकर, यूनिसेफ को अंदर, ये लाख डॉलर फूड बैंक को जो है इन्होंने हरिकेन के टाइम पे दिए, 5 मिलियन कोरोना वायरस के टाइम पे दिए। इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ना वो भी मिला हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दुनिया में काफी जो है ये खुद भी काफी पॉवर्टी से निकली हुई है, इसीलिए मतलब ये 25% जो भी अर्न करती है वो अपने सोशल कॉज के अंदर जो है लगा देती है, तो काफी सोशल कॉज के लिए जानी जाती है। तो काफी फेमस सेलिब्रिटी है, तो इनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स है, तो इनके ट्वीट करने के बाद में दोस्तों ये काफी चीजें हैं जो कि काफी देश के अंदर हल्ला उल्ला मच गया। और काफी लाइन लग गई सेलिब्रिटीज की। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। यहाँ पे भी ये बताया गया कि किसान आंदोलन पर गायिका रिहाना के बयान पर घमासान है जो कि देखने को मिला। सभी लोगों ने को अपने अपने नंबर जो है बढ़ाने का मौका मिल गया देशभक्ति को लेकर। करण जौहर जो कि पिछले टाइम से काफी टाइम से दबे में पड़े थे बेचारे, अपने सुशांत सिंह वाले मुद्दे को लेकर, वो भी बोल पड़े और उनको भी थोड़े बहुत नंबर है जो कि यहाँ पे मिल गए हैं। चलिए ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये सब जो है यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखिए दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश है जो कि भारत बन गया है। 40 लाख लोगों को वैक्सीनेशन है जो कि हमने अभी लगा दिए। अमेरिका में उसको लगे थे 20 दिन 40 लाख लोगों तक पहुंचने में, हमने 19 दिन के अंदर 40 लाख लोगों को टीकाकरण है जो कि यहाँ पे किया है। ओके गाइज, एक बच्चा बोल रहा है गवर्नमेंट इज फीलिंग लाइक अपुन ही भगवान है। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात में चले तो यहाँ पे दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को बहुत ही बुरी तरीके से 9-0 से हराया। पहले भी हार चुके हैं वैसे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में कभी कभार लेकिन होता है ना कि कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं उसके अंदर ये सवाल बनता है। अजय सिंह दोबारा जी को लेकर, अजय सिंह दोबारा मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष है जो कि चुने गए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे उन्होंने आशीष जी को यहाँ पे 37-27 मतों से हराया। और अभी बॉक्सिंग जो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का जो हमारे यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, तो उसके हेड है दोस्तों जो कि ये बने हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। दलाई लामा ने दोस्तों नई किताब आई है उनकी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, तो ये बुक है दोस्तों जो कि यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। अगर पेपर में आपसे पूछे किसके द्वारा लिखी गई है तो ये दलाई लामा के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। ओके गाइस, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा। ठीक है, और वर्ड ऑफ विजडम टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस, इसको लेकर कई सारे कोट्स है, कई सारे वर्ड है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। इसको बुक का एडिट किया गया रेणुका सिंह के द्वारा, पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि है दलाई लामा को लेकर। दलाई लामा आपको मालूम है, दलाई लामा एक्चुअली में कोई नाम नहीं है ना, ये पोजिशन है। 14th दलाई लामा है, तेंगजिंग गेत्सो इनका नाम है जो कि करंट में दलाई लामा बने हुए हैं। ये एक तरीके से टाइटल है दोस्तों जो कि तिब्बतन लोगों के द्वारा जो उनके फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर है ना उनको मिलता है। तिब्बतन बुद्धिज्म स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म है, एक्चुअली 4 स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज्म के, तो उसमें से एक स्कूल है वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूएस्ट क्लासिकल स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज्म का माना जाता है। ये धर्मशाला के अंदर रहते हैं, 23 साल के अंदर दोस्तों ये इंडिया आ गए थे क्योंकि इनको मारने की चाइना ने पूरी प्लानिंग है जो कि वहां पे कर ली थी। ओके गाइज, और ये दुनिया में पीस और नॉन वायलेंस के और फ्रीडम के बारे में बोलते हैं। प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज भी इनको 1989 के अंदर मिला था। ठीक है। चलिए, कंगना रनौत भड़की है सर, कई सारे बच्चे यहाँ पे, सही है, बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड टेम्स आत्मनिर्भरता एज अ वर्ल्ड वर्ल्ड एज अ हिंदी वर्ड ऑफ 2020। ओके गाइस, तो ऑक्सफोर्ड ने जो है आत्मनिर्भरता हिंदी वर्ड है दोस्तों जो कि 2020 का दिया है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, आपको मालूम है कोरोना वायरस के टाइम पे दोस्तों ये वर्ड है जो कि कॉइन किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि भाई हम पे डिपेंडेंट मत रहो, आत्मनिर्भर रहो। तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, दिल पे मत लेना। और ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे काफी सारे मेम चल रहे थे तो वहां पे काफी फेमस हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने एम्फेसिस किया था आत्मनिर्भर था इन द वेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस दोस्तों पेंडेमिक, और इसको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है जो कि मनाया गया है। इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, पेपर में ये सवाल है जो कि पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाई वाज आत्मनिर्भरता चूजन एज अ हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ओके, तो आपको मालूम है दोस्तों कि जब कोई भी वर्ड बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है, प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट उसको यूज करती है,
पब्लिकली उसका एडवर्टीजमेंट करती है, तो उस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी यूज करती है, तो ऑक्सफर्ड लैंग्वेजेस के अंदर इसको इस बार लिया गया है। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट ने बोला इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, सबके अंदर आत्मनिर्भरता लाने को लेकर। ठीक है, तो फाइव पिलर है दोस्तों जो कि यहाँ पे बोले गए थे। तो यहाँ पे इकोनॉमी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, डेमोग्राफी हो गई और डिमांड हो गई। ठीक है गाइस, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था जो कि 10% था जीडीपी का। ओके, लैंड, लेबर, इक्विटी और लॉ के ऊपर दोस्तों फोकस करने के लिए बोला गया था। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, जो कि केरला का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक टू बी ओपन्ड ऑन फ़रवरी 5। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप किसान को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। अरे भाई सुपर, मैं तो कब से सपोर्ट कर रहा हूँ यार। ठीक है, मेरा तो ओपन सपोर्ट है, मैं तो कितनी बार दे चुका हूँ। चलिए, केरला फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है जो कि ओपन करी गई है एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है गाइस, तो सेटअप जो है वो किया गया है। देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि बार्गेनिंग होती है हमेशा, है ना, गवर्नमेंट के बीच में और जनता के बीच में। और ये जो बार्गेनिंग होती है ये किसके वजह से होती है, प्रोटेस्ट की वजह से होती है। प्रोटेस्ट का स्कोप जो है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में हमेशा ओपन रहना चाहिए। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, खुद को हमेशा मेंटेन रखने के लिए इलेक्शन, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो वो आने वाले 10 साल 20 साल हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए वो क्या करती है कि कुछ ना कुछ हमेशा फेवर में करती है, जो कि जिससे वो आगे हमेशा बनी रहे। और उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिससे जनता का नुकसान होता है। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेसी में क्या होती है, बार्गेनिंग होती है, समझ गए। और ये बार्गेनिंग का जो 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 एक स्टेज होता है ना वो एक प्रोटेस्ट ही होता है, समझ गए। तो प्रोटेस्ट के माध्यम से ही दोस्तों क्या होता है कि आम जनता को उसकी चीजें मिलती है। एक बार राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा एक बात बोली गई थी कि अगर रोड रोडों के ऊपर शांति हो जाएगी ना, तो जो संसद है वो आवारा हो जाएगी, यानी कि संसद जो है वो काम नहीं करेगी अगर रोड जो है वो खाली हो जाएगी तो हमेशा। ठीक है, तो होता क्या है कि हमेशा सही चीजों को लेकर, अगर हमेशा जैसे कि आपको मालूम है करप्शन को लेकर हमने 2012-13 के टाइम पे, अन्ना हजारे टाइम पे देश में कितना बड़ा बदलाव आया था, कितनी बड़ा चेंज आया था। और आप देख सकते हो कि उसके बाद से उस टाइम पे करप्शन के अंदर हमारे 100+ रैंकिंग हुआ करती थी, बहुत बुरे हालात थे, कितने सारे स्कैम देखने को मिले थे। उसके बाद वो बदलाव आया, प्रोटेस्ट हुआ, तो करप्शन में रैंकिंग थोड़ी थोड़ी हमारी कम होती चली गई। ओके, हालांकि पिछले साल से इस साल थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन कंपेरेटिवली बात करें तो काफी कम हो गई। तो ये स्कोप हमेशा रहना चाहिए। और जब जब होता क्या है कि प्रोटेस्ट हमेशा प्रोटेस्ट के तौर पर रहना चाहिए, इसके अंदर कभी भी जो है वो एंटी नेशनल, ठीक है, विदेशी हाथ, विदेशी प्रोपोगेंडा, ये सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के लिए ही काम करते हैं। ओके, और हमारे यहीं पर ही पैदा हुआ है, हमारे लोग हैं, मतलब ये, तो इनको इस तरीके से नाम देना, बदनाम करना वो सही नहीं है। और ये है कि भाई ठीक है, प्रोटेस्ट अगर लॉन्ग चल रहा है तो सरकार प्रोटेस्ट वालों के लिए, देश के लोगों के लिए होती है, तो पीछे हट जाना चाहिए, इसमें नाक का सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे केरला का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। ओके, तो एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों ये लाया गया है। एक बात और आपको बताता हूँ कि देश के अंदर दोस्तों जो भी चीजें अच्छी चीजें आई है ना, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ओके, ये सारी और भी आप बोलिए, जो भी अच्छे बिल जो देश में आए वो हमेशा प्रोटेस्ट करके ही देश में आए हैं, मतलब समझ रहे हो। तो ये हमेशा ऐसा, इस बार एमएसपी कानून के लेकर बात चल रही है कि एमएसपी कानून आना चाहिए। तो अब सरकार प्यार मोहब्बत से नहीं लेके आ रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो वो वाली बात है। चलिए ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं केरला के फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में ये ओपन किया गया है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको महिलाओं का अगर पहला मिल्क जो है वो नहीं मिलता, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी होता है, तो उनको यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है, जो कि करवाया जाएगा। इस तरीके के यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों काफी सारे बैंक है जो कि अवेलेबल होते हैं। ओके, जो भी कलेक्टेड मिल्क है वो 6 महीने के लिए सेफली बैंक में स्टोर कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पे दे दिया जाएगा। ओके गाइस, ये मिल्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे ना बच्चे महिला, उनको जो है ये दिया जाएगा, मतलब। ठीक है, इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्टिमम सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, फर्स्ट 6 महीने जो बच्चे के लिए होते हैं, और इससे जो इन्फेक्शन जो होते हैं ना उसको रोकने में काफी मदद करता है ये मिल्क जो होता है, और जो डिजीजेस होते हैं उसको भी रोकने में मदद करता है। ठीक है, और जो ये मिल्क होता है ये ब्रेस्ट कैंसर को भी डेवलप होने से महिलाओं के अंदर रोकता है, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबिसिटी रिलेटेड डिजीज को भी बच्चे के अंदर होने से रोकता है, डायबिटीज होने से रोकता है, उसके आईक्यू को इम्प्रूव करने के अंदर मदद करता है, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम।
ये एक ब्रेस्ट फ्लूड होता है दोस्तों, जो कि ह्यूमन के द्वारा, काउ के द्वारा, अदर मैमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जब वो रिलीज होता है तो बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन होता है इसके अंदर, ओके, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने के अंदर बहुत मदद करता है ये। ठीक है, इस पेपर में पूछते हैं कोलेस्ट्रॉम के बारे में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, स्पेस एक्स ने दोस्तों लॉन्च कर दिया है फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस। तो स्पेस के अंदर जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, स्पेस एक्स है जो कि लेके जाता रहता है, तो एलन मस्क ने दोस्तों ऑल सिविलियन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है जो कि 2021 में लेके जाने को लेकर बोला है। द मिशन इज कॉल्ड एस्पिरेशन 4। ओके गाइस, तो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे इसेक मैन, उनके द्वारा ये बोला गया है। ठीक है गाइस, ये ट्रेन पायलट होंगे जो कि 3 और लोगों को यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, स्पेस, आपको मालूम है रशिया जो है वो काफी, आप $40 मिलियन दो, रशिया आपको जो है स्पेस के अंदर घुमा देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों स्पेस एक्स भी जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, फेल्कोन 9 जो लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ये लेके जाया जाएगा। ठीक है गाइस, हाइलाइट्स की बात करें तो 4 पर्सन का क्रू मिशन होगा जो कि इंस्पायर करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा, मतलब सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के काम को लेकर। और ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई, 90 मिनट का होगा, मतलब कस्टमाइज फ्लाइट प्लेन है जो कि यहाँ पे भेजी जाएगी। आगे बात करते हैं आज के दिन के इतिहास को लेकर दोस्तों, 4 फरवरी 1628 को शाहजहां वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ आगरा, तो आगरा के एम्परर है दोस्तों जो कि शाहजहां बने थे 1789 के अंदर। ओके, उसी के 100 साल के बाद में, 100-150 साल में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है दोस्तों जो कि यूएस के बने। कॉनविल्स को उन्होंने हराया था, कॉनविल्स वही था जो कि बाद में इंडिया आया, जिसने सिविल सर्विसेज भारत में स्टार्ट किया। 1881 के अंदर फर्स्ट इशू किया गया डेली न्यूज़पेपर केसरी, ओके, लोकमान्य तिलक की जी के द्वारा। और 2004 के अंदर वर्ल्ड चेंजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक दोस्तों उसकी शुरुआत है जो कि 4 फरवरी को दोस्तों दुनिया के अंदर हुई थी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं फन फैक्ट को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, और आप भी उनमें से होंगे, मैं भी उनमें से ही हूँ, कि पुरुषों की एक दोस्तों एक बहुत ही जनरल मेंटेलिटी होती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ गैलन फ्यूल जो है ना वो डेली जो है वो वेस्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनको किसी से डायरेक्शन पूछना जो है वो पसंद नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहता है। ओके, तो अक्सर ऐसा होता है, मतलब है ना, एक इंडियन मेंटालिटी, मतलब एक पुरुषों की मेंटालिटी होती है, ऐसा लगता है कि यार इस गली में होगा तो इस गली में चले जाते हैं, फिर लगता है नहीं इस गली में, ऐसे दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर गैलन ऑफ फ्यूल जो है वो वेस्ट करते हैं। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं सब पूछ लेती है, लेकिन पुरुष पूछना पसंद नहीं करते, वो बाद में पूछते हैं जब उनकी लगता है ना कि यार अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तब जाके होता है। ठीक है गाइस, तो ये कि आज का दोस्तों आपका फन फैक्ट है जो कि हमने यहाँ पे देखा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको अकेडमी में कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BHU 10 जो है वो लगा सकते हैं, भुवनेश्वर लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों के लिए फ्री स्टैटिक जीके कोर्स, 40 फ्री स्टैटिक, 40 जो है ना टॉपिक के, स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको फ्री करवाने वाला हूँ। मंडे से सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें 40 स्टैटिक जीके के फ्री टॉपिक है जो कि मैं अनअकैडमी के स्पेशल सेशन में दोस्तों आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो ज्वाइन करना दोस्तों, मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी प्लस कैसे लेना है, जहाँ पे मेरा दोस्तों कंप्लीट जीके कोर्स है जो कि चल रहा है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, स्टैटिक जीके सब कुछ यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस है जो कि मिल जाएगी मात्र ₹500 पर मंथ के अंदर। करना क्या, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, अपना गोल मोबाइल नंबर डालो, गोल ओपन कर लो, यूपीएससी ले लो, SSC, बैंक, IIT, नीट, जो भी आपका गोल है, उसके बाद में प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का सिलेक्ट करके नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो लगा दीजिए BHU 10 या BHU 10 और अप्लाई करके 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। EMI के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। ओके गाइस, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम का मिल जाएगा BHU 10 यूज करके। आज का पहला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 के हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 फरवरी 2021 को अपने पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन करेगा। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं। जेफ बेजोस के पद छोड़ने के बाद निम्नलिखित में से किसे अमेज़न के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। 2021 के अंत में SpaceX के पहले सभी नागरिक कक्षिक अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वापस मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।